फ्रेंड्स, आज कोई हम होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे वाली सब्ज़ी नहीं, ये मेरे स्टाइल की, मेरे किचन में बनने वाली वो रेसिपी है। तो इसके लिए मैंने थोड़े से ये सूखे मसाले ले लिए हैं, जो कि स्क्रीन पे मेंशन है। उसे मैंने इस तरह से दरदरा ग्राइंड कर लिया है कुछ इस तरह से। और इसमें अभी हम ऐड करेंगे ये 20 से 25 कलियाँ लहसुन की, और ये प्याज जो है वो मेरा करीब 300 ग्राम से लेके 400 ग्राम के करीब है, और दो बड़े बड़े टमाटर हैं। तो ग्राइंडिंग जार में मसालों के साथ इसे लेके मैंने थोड़ा सा पानी लिया है इसमें, और इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया मैंने। तो उसमें डाले थोड़े से ये हल्दी पाउडर मैंने डाली है, और अभी कढ़ाई रख के और इसमें डाला मैंने सरसों का तेल, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सरसों का तेल थोड़ा गर्म होने पे मैंने इसमें तेज पत्ता डाला, थोड़ी सी सूखी हुई मिर्ची डाली, जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से आप डालें, और उसे थोड़ा सा भून जाने दें, थोड़ा सा जले नहीं। और इसमें मैंने बहुत थोड़े प्याज का इस तरह से तड़का लगाया है, सिर्फ दो छोटे प्याज हैं उसका मैंने इस तरह से इसमें तड़का लगाया है। यहाँ पे आपके पास अगर फ्राई बरिस्ता हो वो भी आप बरिस्ता डाल सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने इसे तैयार कर लिया भून के, देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। फिर वापस से इसमें जो मसालों का, प्याज टमाटर का पेस्ट बनाया था वो मैंने ऐड कर लिया, और इसे अच्छी तरह से इस तरह से भून के हमें ले लेना है। तो ध्यान रखें फ्लेम बहुत तेज ना हो, उसे हम मीडियम फ्लेम पे हम भूनेंगे मसालों को। अब डालेंगे इसमें थोड़े से सूखे हुए स्पाइसेस। तो मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर डाली है, कश्मीरी मिर्च आप डाल लें, और ये है धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा मैंने डाला है, देखा जाए तो 4.5 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। तो पनीर मेरा है 700 से 800 ग्राम के करीब, तो उसमें मैंने ये इतना धनिया पाउडर ले लिया है। और यहाँ पे ये जीरा पाउडर है, जीरा पाउडर भी मैंने 1 टीस्पून के करीब मैंने लिया है, और इसे भी साथ में मसालों के हम भून लेंगे अच्छी तरह से। तो इसे इस तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से भून लें। और यहाँ पे मैंने मैंने इस तरह से एक पैन गरम किया, उसमें मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, और अभी ये पनीर के बड़े बड़े स्लाइस करके हम हल्का सा इसे ग्रिल कर लेंगे। तो एक गोल्डन स्पॉट आने तक इसे ग्रिल कर लेना है, क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है। तो हम मसालेदार बना रहे हैं पनीर को, तो थोड़ा सा भून के लेंगे इसमें, तो और भी ज़्यादा ये टेस्टी लगेगा पनीर। तो यहाँ पे मसाले करीब करीब भून रहे हैं हमारे। तो ये देखें कुछ हरा मटर है, ये फ्रोज़न मटर है जो घर पे मैंने तैयार किया था, उसे हम इसमें मसालों में ऐड कर लेंगे और साथ में ही इसके भूनेंगे हम। तो यहाँ पे तेल मैंने थोड़ा कम लिया है, आप चाहें तो थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, अगर आप थोड़ा ऑयली खाना पसंद करते हैं, या फिर ऊपर से वो कलर आता है जो ऑयल वाला, तो फिर आप उस तरह से खा सकते हैं, बना सकते हैं तेल बढ़ा के। और यहाँ पे मटर को मैंने जो थोड़े बाकी थे उसे भी मैंने सब मसाले में ऐड कर लिया, और चला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले भी मैंने पनीर की बहुत सारी रेसिपीज़ चैनल पे अपलोड की हैं, एक बार ज़रूर चेक करिएगा आप वहाँ पे, और प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे मसाले में ही मैंने नमक ऐड कर लिया है, उसे भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे मसाले बहुत अच्छी तरह से भुनने चाहिए, ये ज़रूर ध्यान रखें, बिल्कुल कढ़ाई से अलग हो जाने चाहिए। और अगर तेल थोड़ा ज़्यादा हुआ तो तेल थोड़ा सा अलग होने लगेगा मसालों से, तो ध्यान रखें इस स्टेज तक हमें इसको भूनना है। थोड़ा सा कलर डार्क हो जाता है और मसाले जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं, वो इधर उधर लगे नहीं रहते। हमें इसे भून के तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैंने इसमें डाली शक्कर थोड़ी सी, क्योंकि हल्का सा मिठास जो होता है ना पनीर में, घर पे पसंद किया जाता है, इसलिए मैंने हल्की सी 1.5 टीस्पून के करीब मैंने इसमें शक्कर डाली है मसालों में, और साथ में इसे अभी भून लेते हैं। तो देखें मसाला बिल्कुल इकट्ठा हो गया है, बिल्कुल कढ़ाई से अलग हो गया है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर हम भून रहे हैं इसे। तो इसी तरह से हमें भून लेना है, और जब इस तरह से हो जाए तो पानी डाल दें। ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है वो अपने हिसाब से, इसकी थिकनेस आप एडजस्ट कर लें। तो हमें चावल भी साथ में इसके देना है, सर्व करना है, रोटी भी है, तो थोड़ा सा हम इसमें ग्रेवी रखेंगे। आप चाहें तो इसे ड्राई बिल्कुल मसालेदार रोज़ पनीर बनाएं, और या फिर आप चाहें तो पतली ग्रेवी और कर लें। मैंने थोड़ी सी मीडियम रखी है, हल्की सी गाढ़ी गाढ़ी सी। तो ये देखें,
ये अभी और थोड़ा सा थिक हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से मटर पनीर का शोरबा तैयार हो गया है हमारे। इस तरह से हमें पका लेना है। पानी डालने के बाद पानी का कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, तो इसलिए धीमी आंच पे मैंने पका लिया। और अभी जो बड़े बड़े मैंने ग्रिल किए थे पनीर, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए मैंने और उसे इसमें ऐड कर लिया। तो इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अभी तक पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक किए बिना ना जाइएगा, इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके और इसका बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा। और मेरी और भी रेसिपीज़ हैं तो एक बार ज़रूर चेक करिए उसे जाके। प्लेलिस्ट में आपको बहुत आसानी से बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी, तो एक बार ज़रूर जाके चेक करिएगा। तो ये देखें, करीब करीब ये तैयार है। और इसे आप पराठे से, पूरी से, रोटी से, चावल से, सारी चीज़ों के साथ आप खा सकते हैं। इसमें मैंने डाल दिए कटे हुए हरे धनिए की पत्ती। तो कभी कभी इस तरह से भी पनीर बनाइए। तो फिर मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ। बाय।